मुकेश, ताकि आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, जो हमारी भारत सरकार के द्वारा सभी जगह लगाया जा रहा है, वो कार्यक्रम को हम कैसे मतलब फलीभूत कर पा रहे हैं, कैसे हमने सेंटर्स बनाए, सेंटर्स में कितने लोग हैं, वैक्सीनेटर 1, 2, 3, 4 कैसे वो लोग अपना अपना काम कर रहा है, उसके बाद हमने उसको कैसे डिवाइड किया है वेटिंग रूम में, ऑब्जर्वेशन रूम में और उसके बाद इंजेक्शन रूम में, तो ये सब चीजें मैं आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से दिखा चुका हूँ। आज हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारा जो हेल्थ का ये जो कार्यक्रम था वैक्सीनेशन वाला, इसमें प्रमुखता जो दी जा रही थी सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही थी। हेल्थ वर्कर्स में सारे लोग आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, स्टाफ नर्सेज आ जाती हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी हैं उसमें, मतलब जितने भी हमारे स्वीपर्स वगैरह भी हैं वो भी आ जाते हैं, सफाई कर्मचारी आ जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाते हैं, उसके बाद फार्मेसी वाले आ जाते हैं। तो आज जो है, आज हमारी 3 फरवरी को ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें आज जो बचे हुए लोग हैं अभी तक, जिन लोगों को भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, आज ये मॉप अप राउंड है जिसमें सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पिछले बार जिसको नहीं लगी, जिसका नाम आके चला गया है, या जो लोग किन्हीं कारणवश वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, तो आज इस कार्यक्रम के थ्रू सारे लोगों को वैक्सीन शाम तक लगाने का अंदाज है रहेगा और सारे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत से लोगों के अनुभव भी बताता हूँ कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनके क्या अनुभव हैं, उन्होंने कैसा महसूस किया, और इसके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन जो है सबको लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन लगाना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो लोग अभी तक डर रहे थे या जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी और आगे जिनको लगनी है, उसमें सारे के सारे अभी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसके अलावा हमारे जो दूसरे हैं अपने स्वास्थ्य कर्मी के अलावा सफाई कर्मी हैं, सारे लोगों को जो आगे वैक्सीन लगनी है, सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबसे सुरक्षित है ये वैक्सीन। वैक्सीन लगा लेने से आप सुरक्षित हो जाएंगे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वैक्सीन लग रही है और उन लोगों के क्या क्या अनुभव हैं जो वैक्सीन लगा चुके हैं। आइए, तो ये पहले हमारा वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 है। ये यहाँ पे सबको पहले चेक करते हैं कि भाई आपका नाम जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने कामों को कर पा रहे हैं। सर, ये मैसेज आता है और मैसेज के आधार पे हम वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई पे अगर उसका नाम अगर स्पष्ट हो जाता है तो फिर उसको फिर आप अंदर भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैक्सीनेटर 1 है जो कि अपना जितने भी लोगों को वैक्सीन लगना है, जिनके पास मैसेज गए हैं, उन सबको ये मैसेज के माध्यम से वेरिफिकेशन करते हैं और फिर अंदर वैक्सीनेटर 2 के पास भेजते हैं। आइए मैं आपको वैक्सीनेटर 2 दिखाता हूँ। ये वैक्सीनेटर 2, पहले वैक्सीनेटर 1 ने कंफर्म कर लिया कि भाई आपका नाम सही है, वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद वो वैक्सीनेटर 2 के पास भेजते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेटर 2 बैठे हुए हैं और लोगों की इन्फॉर्मेशन को ये करेक्ट कर रहे हैं, और जानकारी मतलब अगर सही है तो ये कंप्यूटर पे अपने जो उसका ऐप बनाया गया है उस पर लोड कर देते हैं। तो यहाँ जब कंफर्म हो जाता है कि अमुक व्यक्ति का नाम सही है और रजिस्ट्रेशन है, तो उसको फिर वैक्सीनेटर 3 के पास भेज दिया जाता है। आइए सर, एक मिनट। अब आप ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देख सकते हैं। वैक्सीनेटर 1 और 2 के द्वारा जब वैक्सीनेटर 3 के बाद भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की जाती है। आप लोग देख रहे हैं कि आप वैक्सीनेटर 3 के पास आने के पश्चात आपको वैक्सीन कैसे लगाई जा रही है, इस पूरी प्रक्रिया को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। बिहारों की वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, ये वैक्सीन जो है सिस्टर ने सीरीज में ले ली है, और सीरीज में लेने के बाद इनके राइट आर्म पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि वैक्सीन कैसे लगाई जा रही है। आपका नाम क्या है? ये आपको पहली बार वैक्सीन लगाई जा रही है? जी सर। कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लग, जब लगी तो सिस्टर ने वैक्सीन लगाई तो आपने क्या महसूस किया? सर, मुझे तो कुछ ऐसा फील महसूस नहीं हुआ, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई? नो सर, नो। चलिए, अच्छी बात है, वैक्सीन लगने का तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई।
थैंक यू दीदी। लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उनको हम लोग 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा निगरानी कक्ष ऑब्जर्वेशन रूम है, जिन जिन लोग बैठे हुए सभी को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा चुकी है। आइए हम आप सब लोगों से मिलते हैं कि इनका क्या अनुभव है। आपको वैक्सीन लग गई है, आपका नाम क्या है, इनको आप बताइए कि आपको वैक्सीन कितनी देर पहले लगी है। अभी थोड़े देर पहले लगी। कैसा महसूस हो रहा है आपको वैक्सीनेशन के बाद? थोड़ा कुछ परेशानी हो रही, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं हो रहा। आइए मैडम, आप अपना बताइए आपको वैक्सीनेशन के बाद कैसा महसूस हो रहा है। किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं, चक्कर वगैरह नहीं आ रहे, घबराहट नहीं हो रही, हाथ में भारी बन नहीं है। आइए अब आप डॉक्टर शुक्ला हैं, आप हमारे यहाँ के फिजिशियन हैं, आपको भी वैक्सीन दी गई है। डॉक्टर शुक्ला से हम पूछते हैं कि सर आपको वैक्सीन लगने के बाद कोई तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ नहीं हो रही, करीब 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट हो चुके हैं एंड एवरीथिंग इज वेल। चलिए ये बहुत खुशी की बात है, आपको 20 मिनट पहले वैक्सीन लगाई गई और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। आपका नाम क्या है? प्रियंका पटेल। आपको वैक्सीन लग गई है, आप बताएंगे वैक्सीन कितनी देर पहले लगी? 10 मिनट पहले। आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। आपका? आपको कोई तकलीफ हो रही है वैक्सीन लगाने के बाद? नहीं। आपको? नहीं सर। डॉक्टर आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं, क्यों क्यों बैठी हैं? देखिए जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑब्जर्वेशन में किसी को कोई भी तकलीफ होती है किसी भी प्रकार का, पहला इमीडिएट रिएक्शन जो होता है वो 30 मिनट के भीतर होता है, उसमें किसी को भी चक्कर आ सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो बोलते हैं, वैक्सीन लगने के बाद किसी को भी अगर एनाफाइलेक्टिक होता है जिसमें चक्कर आ सकते हैं या मतलब उसमें अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो उसके लिए हमारी ये प्रक्रिया है जिसको हमने ये बनाया हुआ है पूरा कक्ष, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी सारी दवाइयां हैं, डॉक्टर बैठी हुई हैं, सारे इंजेक्शन, बेसलाइन इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर सब उपलब्ध है। किसी को भी यदि 30 मिनट में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन ये खुशी की बात है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, अभी एक भी पेशेंट आपको ऐसा नहीं आया कोई प्रॉब्लम है? चलिए आपको वैक्सीन लग गई? आज लग गया। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे हैं। डॉक्टर मनोज पांडे इस कार्यक्रम की बहुत अच्छे से देखरेख कर रहे हैं, इन्हीं के पूरे निर्देशन में हमारा ये कार्यक्रम जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है बालाघाट जिले में बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा है। डॉक्टर मनोज पांडे ने भी वैक्सीन लगाई थी, आज हम इनसे पूछते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद इन्हें क्या अनुभव हुआ और इनको कोई रिएक्शन हुआ कि नहीं। डॉक्टर मनोज पांडे आप बताने का कष्ट करेंगे? नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद तो वैसे मुझे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या नहीं हुआ, जैसे कि लोकल साइड में जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ दर्द होता है, हल्का बुखार आता है, ये सब किसी प्रकार की। किसी भी आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस वीडियो के? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि वैक्सीन को लोगों को मौका मिला है, जिनका भी नाम आया है वो अवश्य इस अवसर का उपयोग करें और वैक्सीन लगाएं और अपने शरीर के अंदर एक सुरक्षा चक्र विकसित करें ताकि भविष्य में कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। देखिए डॉक्टर मनोज पांडे साहब ने मैसेज दिया है कि हर आदमी को वैक्सीन लगाना चाहिए जिसको भी मौका मिलता है, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और वैक्सीन लगाने के बाद आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं, यदि नहीं लगाएंगे तो आपको कोरोना होने का डर हमेशा बना रहेगा, लेकिन कोवैक्सीन लग जाने के बाद, दूसरी डोज लग जाने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो पाएंगी और आप पूरी तरह से कोरोना के आगे सुरक्षित हो पाएंगे। आइए हम कुछ और डॉक्टर से भी पूछते हैं कि वैक्सीन लगाने के पश्चात उनको कैसा लग रहा है। डॉक्टर श्रुति विसेन है, इनको वैक्सीन लग गई, आइए हम पूछते हैं इनसे कि इनको वैक्सीन कब लगी और कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे वैक्सीनेशन लगाना, उसके बाद माइल्ड फीवर आया था बट वो बहुत ही कम था, अपने आप ठीक है, उसके बाद बाकी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी पॉपुलेशन जो है वो आगे वैक्सीनेशन करवाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे आप सेफ हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे वैक्सीन नहीं लगाते आप तो कैसा महसूस करते हैं, आपके मन में क्या बना रहता है यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाते? आगे ये डर तो हमेशा रहता है कि इनकेस अगर हम जनरल पॉपुलेशन में जाए, क्योंकि अभी कोई मास्क या कुछ ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा डर रहता है कि उन्हें कभी इन्फेक्शन होने के चांसेस तो फिर भी रहते हैं। और माइल्ड केस में तो ठीक है, पर अगर उसकी सिवियरिटी बढ़ जाए चलिए। अच्छा, आपने लोगों को मैसेज दिया कि वैक्सीन नहीं लगाने पे जिंदगी भर डर बना रहता, कोरोना होने का वैक्सीन लगा लेना सबसे सुरक्षित उपाय। थैंक यू डॉक्टर। आई डिपार्टमेंट में, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे ये जो मुख्य जी है इनको वैक्सीन लग चुकी है, आपसे हम पूछेंगे कब लगी थी आपको वैक्सीन? सर ये वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ था, तो
सेकंड सेशन में मुझे लगा। कितने 18 तारीख को? 18 तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहा है? बहुत बढ़िया सर, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा। किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी? जो लोगों को हुआ था हल्का फुल्का, हाथ पैर में दर्द हुआ था, किसी को कमजोरी हुई थी, किसी को सिर दर्द हुआ था, आपको इसमें से कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं सर। अच्छा, डॉक्टर बी आई गांधी आई स्पेशलिस्ट हैं, आई से पूछते सर आपको वैक्सीन लगेगी नहीं? अभी तो वैक्सीन लगी नहीं, लिस्ट पे जैसे नाम आया वो लगा लेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं, वैक्सीन नाम आएगा तो आप लगवाना चाहेंगे या मैं तुरंत लगाना चाहूंगा? अच्छा, और आप डॉक्टर बिछोड़े आपको वैक्सीन? जी सर अभी तो नहीं लगी है, लेकिन जैसे ही नाम आता है। क्यों लगवाना चाहती हैं आप वैक्सीन? सर वही कि जैसे अगर कोरोना से बचाव हो सकता है और एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी। तो आपको ये मानना है कि वैक्सीन लगा देना सबसे सुरक्षित तरीका है? जी सर। चलिए, थैंक यू। डॉक्टर अशोक लेलारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है जिला चिकित्सालय के, आपसे हम इनका अनुभव जानते हैं कि इनको कब वैक्सीन लगी थी और कैसा ये वैक्सीन लगने के बाद महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक लेलारे सर, आपको वैक्सीन कब लगी थी और आप उसके बाद क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशन हुए थे और कैसा महसूस कर रहे हैं? छब्बीस तारीख को लगा था, उसके बाद से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप गया रेपी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेफ लगता, सुरक्षित लगता है? सुरक्षित लगता है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं? कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भय नहीं, भयमुक्त वैक्सीन लगाइए। अच्छा, मतलब यही मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं कि भयमुक्त वैक्सीन लगाइए और सभी को लगाना चाहिए। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अशोक लेला सर। हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में, यहाँ पे भी लोगों को वैक्सीन लग चुका है। आप सिस्टर है मंजू, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको वैक्सीन कब लगा था और आपको वैक्सीन लगने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट हुए क्या, आप बताइए। फर्स्ट डे लगा था जब टीकाकरण स्टार्ट हुआ था, तो 16 जनवरी को मुझे लगा था। बाकी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, ना कोई डर लगा, कुछ प्रकार का कोई, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ मुझे वैक्सीनेशन के बाद। मतलब किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ? कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, आप कैसा महसूस करती हैं यदि वैक्सीन नहीं लगाए होते तो आज क्या होगा? वैक्सीन नहीं लगाए होते तो प्रिकॉशन रखना पड़ा था, 2 गज मास्क जरूरी, बस 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। वैसे ही वैक्सीन लगने के बाद मैडम आप बताइए आपको वैक्सीनेशन कब हुआ था और आप क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं? मुझे वैक्सीनेशन 21 जनवरी को हुआ था, उसके बाद मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लगा, ना कोई साइड इफेक्ट था, जस्ट साधारण सा थोड़ा सा फीवर आया था कुछ घंटों के लिए, उसके बाद अपने आप वो ठीक भी हो गया। और वैक्सीनेशन लगने से पहले हमेशा डर बना रहता था कि हम इस फील्ड में आए तो कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन अब वैक्सीनेशन के बाद मुझे अच्छा लगने लगता है कि नहीं मैं सिक्योर हूँ। मतलब आप ये महसूस करती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आप पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी हैं? जी सर। लेकिन अभी भी आपको कुछ समय के लिए मास्क और डिस्टेंस का पालन करना चलते हैं। यहाँ पे आप स्टाफ भी चाहते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको वैक्सीन कब लगी थी और वैक्सीन लगने के बाद आपको कोई तकलीफ हुई कि नहीं? वैक्सीन लगी थी 21 तारीख को। 21 को लगी, उसके बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई किसी भी प्रकार से? जी नहीं, 2 बजे रात को ठंड लग के फीवर आया था बस। बस ज्यादा लेके बुखार आया था? कितने दिन के लिए आया था? बस टेबलेट लिए, पैरासीटामोल, और उसके बाद कुछ नहीं। बाकी हाथ पैर में दर्द वगैरह कुछ भी, चक्कर आना कुछ भी नहीं? सर। अच्छा चलिए ठीक है, आपको मतलब वैक्सीन के बारे में ये ओपिनियन है कि वैक्सीन लगा लेना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? जी, जिला चिकित्सालय के SNCU जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आके हम सिस्टर से बात करते हैं, यहाँ पे किस किस को वैक्सीन लग गई और वैक्सीन लगने के बाद क्या रिएक्शन हुए। सिस्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको वैक्सीन लग गई? हाँ सर। वैक्सीन आपको कब लगी थी? 24 तारीख को। आप बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वैक्सीन लगने के बाद आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, क्या एलर्जी हुई, क्या रिएक्शन हुए? 24 तारीख को वैक्सीन लगी है 2 बजे, मुझे लगने के बाद तो कुछ नहीं लगा, 4-5 घंटे कुछ नहीं लगा, फिर नाइट में मुझे फीवर आ गया था, फीवर आया तो मैंने टेबलेट खाई, टेबलेट खाने के बाद फिर ठीक हो गया, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था, दिन भर सर दर्द हुआ 2 दिन तक, फिर उसके बाद ठीक हो गया सर। मतलब आपका ये मानना है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद पहले कुछ नहीं हुआ, बाद में हल्का फुल्का सिर दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, बुखार आया, ऐसा 24 घंटे 48 घंटे तक हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ? हाँ सर, उसके बाद कोई भी आपको दूसरा मीडिया ऐसा साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए सिस्टर, आपको वैक्सीन कब लगी थी और वैक्सीन लगने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? 24 तारीख को मुझे वैक्सीन लगी थी, और वैक्सीन लगने के 10-15 मिनट बाद थोड़ा देर हाथ थोड़ा भारी हुआ था, बाकी और कोई साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, लोगों को अपने और क्या साइड इफेक्ट्स हुए जैसे आप बताएं? थोड़ा सा सिर दर्द होना, बिजली होना, टेम्परेचर का थोड़ा सा बढ़ना, और राइडर्स आए हैं सर कुछ लोगों को।
अच्छा पर मुझे अच्छा आप वैक्सीनेशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पहल है और सभी लोग लगवाएं, अपने आप को इम्यूनाइज करवाएं और रोगों से लड़ने के लिए देश और दुनिया की मदद करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज आपने लोगों को दिया। सिस्टर आप बताएं कि आपको वैक्सीन कब लगी थी और वैक्सीन लगने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? सर मुझे 20 तारीख को वैक्सीन लगी थी और मैंने वैक्सीन लगाने के बाद में हाथ में हल्का दर्द हुआ, दर्द होने के बाद में वो ठीक हो गया था। फिर मैंने नाइट ड्यूटी किया, उसके बाद में मॉर्निंग में किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकंड डे में फिर सर थोड़ा सा हल्का में हेडेक हो रहा था। मतलब आपको 24 से 48 घंटे में हल्के फुल्के माइनर रिएक्शन हुए थे, उसमें आपको बाद में हेडेक हुआ था और वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा सा सर दर्द हुआ था। इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। सर आप बताएंगे आपको वैक्सीनेशन कब हुआ था? मुझे 21 को वैक्सीनेशन लगा था। मुझे वैक्सीन लगाने की नाइट ड्यूटी करके मैं वैक्सीन लगाने आई थी, तो वैक्सीन लगाने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नींद का नशा है कि क्या, तो घर में जाके फिर मैं सो गई थी। तो मुझे हेडेक होना कुछ होना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपका अगला डेट कब है वैक्सीन लगाने का? आपको बोले फोन करके बताएंगे। 28 दिन के बाद। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या महसूस हुआ आपको वैक्सीन लगने के बाद? बुखार आया था 3 दिन तक, उसके लिए आपने किसी की सलाह लिया, कोई दवाई खाई थी? वही खाया। 3 दिन बाद आपका बुखार उतर गया, बाद में कोई तकलीफ नहीं? अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड्स आज के हम इस कार्यक्रम को जो है छोटी, जो मैंने एक छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, इसको कंक्लूजन हम निकालते हैं। देखिए वैक्सीन जो है भारत सरकार का अभूतपूर्व कदम है और हमें तारीफ करनी पड़ेगी हमारे भारत सरकार की कि इतनी विषम परिस्थितियों में सारी यूरोपियन कंट्रीज जो कोरोना को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, उनके यहाँ कोरोना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, इस 135 करोड़ में यूरोप के कई देश समा सकते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है और कोरोना को कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और इसके लिए वाकई भारत सरकार बधाई की पात्र है और हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, फिर भी सरकार ने इसको बहुत ही अच्छी बखूबी प्लानिंग के साथ स्टार्ट किया है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू किया है, आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। आज के बाद फिर ये जो है इसमें दूसरे जो अपने हाई रिस्क जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं ये वैक्सीन उनको लगाई जाएगी, उसके बाद फिर अगले चरणों में ये वैक्सीन जो है पॉलिटिशियंस को लगाई जाएगी, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को लगाई जाएगी और शायद बाद में फिर आम जनता को लगाई जाएगी। तो आज जैसा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, जितने भी लोगों को वैक्सीन लगे उसमें यदि हम देखेंगे साइड इफेक्ट क्या क्या हुए, उनको हम मतलब माइल के रूप में ही महसूस कर सकते हैं जो 24-48 या 72 घंटे के भीतर आए। ज्यादातर लोगों को माइल जो है बुखार आया, हाथ पैर में दर्द हुआ, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हुई, सिर दर्द हुआ, कुछ लोगों को इसमें से उल्टी हुई, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द हुआ, कमजोरी हुई, थकान आई, कुछ लोगों को चक्कर आए, उल्टी आई और लूज मोशन भी हुए। तो यदि हम पूरे कार्यक्रम को देखें तो इसमें जो वैक्सीन के जो रिएक्शन है बहुत ही कम है। जब भी कोई भी वैक्सीन बॉडी में लगती है तो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है और जो रिएक्शन होता है वो इसी रूप में होता है, चक्कर आ जाता है, हाथ पैर में दर्द होता है, सर दर्द होता है, बुखार होता है, चक्कर आते हैं, हल्की सी उल्टियां होती है, 24-48 घंटे तक कमजोरी लगती है, बुखार आता है जाड़ा लेके, तो ज्यादातर लोगों को यही महसूस हुआ है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा सब लोगों ने बताया वैक्सीन लगाना सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका है, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग भी दिग्भ्रांति फैला रहे हैं, जो लोग भी इसके विरुद्ध में बोल रहे हैं वो टोटल गलत है, वो समाज को एक गलत मैसेज देना जा रहे हैं। मैसेज समाज के लिए यही है कि वैक्सीन सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इससे ज्यादा सुरक्षित तरीका कोरोना वायरस से बचने का कोई भी नहीं है। आप वैक्सीन लगाइए, दूसरा डोज लगाइए, उसके 15 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और उसके बाद आप कोरोना के जो इन्फेक्शन है उससे पूरी तरह बच जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मेरा लोगों को जो मैसेज है यही है, तब तक आपको जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन पूरी तरह करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद जब पूरी हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, तब हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं अब हमारे देश में कोरोना का कोई डर नहीं है। धन्यवाद।